Kirchhoff's rule. In a different electronic circuits, components like the resistor, indicators, capacitors and batteries are connected with each other. सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं एंड कॉम्प्लिकेटेड वे, बट उनका जो कनेक्शन होता है इतना सिंपल नहीं होता है, एकदम कॉम्प्लिकेटेड वे होता है. जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता चलती है जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं, पोटेंशियोमीटर या विषम ब्रिज वाला जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तब आपको पता चलेगा कि कनेक्शन कितना डिफिकल्ट है. उसके लिए पहले आपको पूरा सर्किट याद रखना पड़ेगा और सारे जो भी कंपोनेंट्स आप यूज करने उसका नाम याद रखना पड़ेगा, सिंबल याद रखना पड़ेगा. पहले अपने बुक में आप सर्किट बनाओगे और उस सर्किट के अकॉर्डिंग में आप अपना कनेक्शन करोगे. क्लियर है? नहीं तो फिर जैसे लैब में होता है बैटरी का वायर कट कर देंगे, होता रहता है ऐसा. तो कहने का मतलब रियल लाइफ में कनेक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, उससे भी कॉम्प्लिकेटेड जो सर्किट्स होते हैं वो होते हैं. जैसे कि लिफ्ट का सर्किट अगर पैनल का देखा है आपने, लिफ्ट के अंदर जो पैनल बॉक्स आता है, ओके आपने एक तो देखा ही होगा. पहले जो टेलीफोन एक्सचेंजेस थे ना, मतलब कि जो वायर वाले, तो वो वहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स होता था, उस बॉक्स को खोलता था जब रिपेयर करने वाला आता था. इतने छोटे छोटे वायर्स चलते हैं उसमें, देन वैसे तो कंडक्टर्स हैं, बट वैसे ही जब आप किसी अपने प्रिंटिंग रिमोट के बोर्ड को यूज़ करते हो तो उसके पीछे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि कौन सा कंपोनेंट क्या है. तो ऐसे करके सब कंपोनेंट्स को जब जोड़ते हैं एक दूसरे के साथ तो एक पूरा सर्किट फॉर्म होता है, और वो सर्किट रियल वे में तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. स्टडी पर्पज के लिए तो काफ़ी अभी भी सिंपल सर्किट यूज़ करेंगे, बट सच अ सर्किट कैन नॉट बी कंसिडर एज अ सिंपल सीरीज और पैरेलल कनेक्शन. उसमें सिर्फ और सिर्फ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कंसिडर कर लिया, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के रूल अप्लाई कर लिए और हमने उस सर्किट का स्टडी कंप्लीट कर लिया, दैट इज नॉट पॉसिबल. एंड सो जनरली सच अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आर नोन एज नेटवर्क. उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क. ओहम्स लॉ अलोन इज नॉट सफिशियंट टू एनालाइज अ नेटवर्क. सिर्फ ओहम्स लॉ जानने से हम नेटवर्क का एनालाइज नहीं कर पाएंगे, उसका स्टडी नहीं कर पाएंगे. एंड सो देर आर सर्वल रूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ नेटवर्क. देर आर Kirchhoff's two rules amongst them. काफी सारे rules हैं, उसमें से Kirchhoff's के दो rule काफी important हैं, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. Let us try to understand two terms concurring with the circuit before, sorry, concurring with the circuits before the discusses the Kirchhoff's rule. पहले तो Kirchhoff's rule पढ़ने से पहले आपको दो term पढ़ने पड़ेंगे. पहला term कौन सा है? Junction and branch point. तो junction and branch point कैसे बोलेंगे? किसको बोलेंगे? तो जैसे railway junction आपने सुना होगा. रेलवे जंक्शन पे क्या होता है? काफी सारी ट्रेन लाइन है वो वहां पे कलेक्ट हो जाती है. ओके, अलग अलग डायरेक्शन में से जो ट्रेन आते हैं वो वहां पे जंक्शन पे आते हैं. क्लियर है? तो वैसे यहाँ पे भी द पॉइंट इन नेटवर्क एट विच मोर देन टू कंडक्टर्स. नेटवर्क है बाजू में, उसका एक पॉइंट जहाँ पे एक मोर देन टू कंडक्टर्स, मतलब मिनिमम थ्री. मोर देन टू मतलब क्या? मिनिमम थ्री. कितने कंडक्टर्स मीट होने चाहिए? थ्री कंडक्टर्स मीट होने चाहिए. दे आर मीट कॉल्ड एज जंक्शन और अ ब्रांच पॉइंट. यू विल बी अवेयर ऑफ द हाउ मेनी रेलवे लाइंस मेक अ जंक्शन. काफी सारे रेलवे लाइंस जंक्शन पे क्या होते हैं? मीट होते हैं. क्लियर? इन द फिगर यहाँ पे देखो अलग अलग पॉइंट्स दिए. अब इसी पॉइंट पे सिर्फ दो कंडक्टर मीट हो रहे हैं. यहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है, एक हॉरिजॉन्टल एंड दिस वन इज वर्टिकल, तो दो नहीं चलेगा. मोर देन कितना होना चाहिए? टू. एंड दैट्स व्हाई सी इज नॉट कंसीडर्ड एज द ब्रांच पॉइंट. उसको हम ब्रांच पॉइंट या जंक्शन नहीं लेंगे. बट जब आप बी पे देखते हो तो एक वो हॉरिजॉन्टल है, एक अपसाइड जा रहा है और एक डाउनसाइड जा रहा है. डन. तो ऐसे तीन कंडक्टर मीट हुए और तीन कंडक्टर हुए तो बी इज कंसीडर एज ब्रांच पॉइंट. लाइकवाइज ए में दिस ब्लू लाइन अपसाइड डी की ओर और डाउनसाइड एफ की ओर, तीन कंडक्टर हुए और दिस थ्री कंडक्टर्स आर नोन एज, मतलब कि थ्री कंडक्टर्स मीट हो रहे हैं तो दैट पॉइंट इज नोन एज ब्रांच पॉइंट. क्लियर है? बट यहाँ पे बी एंड ए पॉइंट आर नोन एज ब्रांच पॉइंट एंड जंक्शन. डी सी ई एंड एफ आर नॉट कंसीडर बिकॉज वहां पे टू ही कंडक्टर्स है, दो कंडक्टर से ब्रांच पॉइंट नहीं बनता है. क्लियर है? लूप. अ क्लोज्ड सर्किट फॉर्म बाय द कंडक्टर्स इज नोन एज लूप. एक पूरा क्लोज सर्किट फॉर्म होना जिसको हम क्या बोलेंगे? लूप. एज शोन इन द फिगर सी डी ए बी सी. सी डी ए बी सी वापस सी पे चले गए, वो एक लूप हो गया. वैसे ए एफ ई बी, ए एफ ई बी वापस सी पे चले जाएंगे, लूप हो गया. या तो फिर C D A F E B C पूरा एक तुम्हें चक्कर हो गया लूप. कंडक्टर्स की वजह से जो क्लोज लूप क्रिएट होता है उसको बोलते हैं लूप ऑफ द नेटवर्क. नाउ इन द एनालिसिस ऑफ द नेटवर्क अननोन क्वांटिटीज. इलेक्ट्रिसिटी में कौन से क्वांटिटीज
क्वांटिटीज के साथ हम डील करते हैं, लाइक वोल्टेज वी, करंट आई, रेजिस्टेंस आर, वैसे क्वांटिटीज को हमें क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है, स्टडी करना होता है, या तो फिर उनका मेजरमेंट करना होता है. सो सर्किट कैन बी डिटरमाइंड दी फ्रॉम दी नॉन क्वांटिटीज. हम ऐसे अननोन क्वांटिटीज को डिटरमाइन करेंगे फ्रॉम विच क्वांटिटीज, नॉन क्वांटिटीज. जो नॉन क्वांटिटीज हो गए उसका वैल्यू यूज करके अननोन क्वांटिटीज को डिटरमाइन करेंगे. नाउ उसके लिए हम किरचॉफ्स रूल यूज करेंगे. तो किरचॉफ्स का पहला रूल पढ़ते हैं. किरचॉफ्स फर्स्ट रूल इज कोसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. किरचॉफ्स फर्स्ट रूल किस पे से डेवलप किया गया है? कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंसिडर ओ एज अ जंक्शन पॉइंट. देखो यहाँ पे पांच कंडक्टर मिलते हैं, एक, दो, तीन, चार और पांच. पांच कंडक्टर मिल रहे हैं ओ पॉइंट पे, अलग अलग पांच कंडक्टर मिल रहे हैं, तो मोर देन टू हो गया. और मोर देन टू कंडक्टर जब मीट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन पॉइंट. क्या बोलते हैं? जंक्शन पॉइंट. सो ओ इज द जंक्शन पॉइंट. द करंट मीटिंग एट द जंक्शन पॉइंट ओ आर विच? आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर एंड आई फाइव. एंड द डायरेक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाई एरोस. आई वन ओ की ओर जा रहा है, आई टू ओ से निकल रहा है, आई थ्री ओ की ओर जा रहा है, आई फोर ओ से दूर निकल रहा है और आई फाइव ओ से दूर जा रहा है. क्लियर? जो एरो है उनके क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन. Let's Q1, Q2 and Q dot 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 Q5 will be electric charge flowing through the cross section area of respective conductor in the time interval t, and therefore currents I equals to, as I equal to Q by t, Q equals to I t, Q1 equals to I1 t, Q2 equals to I2 t, likewise Q5 equal to I5 into t. It is evidence from the figure that total electric charge entering the junction, you can see here. Dekho. कितना इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है? Q1 आ रहा है और Q3 आ रहा है, वो आ रहा है. और जंक्शन से जा कौन रहा है? Q2, Q4 एंड Q5. तो टोटल एंटरिंग चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q3. और लीविंग चार्ज कितना है? Q2 प्लस Q4 प्लस Q5. अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज लीविंग द जंक्शन इज सॉरी जंक्शन इन द सेम टाइम इंटरवल. एंड सो एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? कॉन्स्टेंट. इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन कॉन्स्टेंट. या तो फिर बेसिक समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एल्जेब्रिक समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिकम्स जीरो. ओके, तो यहाँ पे अगर देखो हम Q1 और Q3 को प्लस कंसीडर कर लें क्योंकि वो आ रहे थे, और Q2 और Q4 एंड Q5 को नेगेटिव कंसीडर किया बिकॉज वो जा रहे थे. तो सबका समेशन कितना होना चाहिए? जीरो. बिकॉज एनी पॉइंट चार्ज कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड. सब सेंटेंस पढ़े थे आप, किसी भी पॉइंट में सर्किट पे चार्ज को ना प्रोड्यूस किया जाता है, एक्यूमुलेटेड मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, और डिस्ट्रॉय मतलब कि ना उसको मिटा जाता है. क्लियर है? और दैट्स वाई चार्ज एट द एनी पॉइंट, जो आ रहा है वही चार्ज निकल जाएगा. क्यों? क्योंकि इस माइनस वालों को अगर हम इधर ले लेंगे तो Q1 प्लस Q3 इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा? Q4 प्लस Q5 प्लस Q2. क्लियर है? जितने चार्ज आ रहे थे इक्वल्स टू जितने चार्ज जा रहे हैं. बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक? नाउ Q1 इक्वल्स टू हमने क्या रखा था? I1 इंटू T, क्योंकि टाइम इंटरवल सबके लिए सेम है. I3 इंटू T, I4 इंटू T, I5 इंटू T एंड I2 इंटू T. T T T T सब जगह से. देयरफॉर I1 प्लस I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5 प्लस I2. जितने करंट आ रहे जंक्शन की ओर उनका समेशन इक्वल टू जितने करंट जंक्शन से जा रहे उनका समेशन. या तो फिर I1 प्लस माइनस I2 इधर आएगा, प्लस I3 प्लस माइनस I4 प्लस माइनस I5 इक्वल टू जीरो. जो इधर थे राइट हैंड साइड उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया. और यहाँ पे प्लस किसको रखा है? जो करंट्स आ रहे हैं उनको क्या रखा है? प्लस. और जो करंट्स जा रहे हैं उनको क्या रखा है? माइनस. और दैट्स व्हाई समेशन आई एरिथमेटिक समेशन ऑफ करंट्स बिकम जीरो. दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ. देखो यहाँ पे आई वन प्लस आई थ्री माइनस आई टू माइनस आई फोर माइनस आई फाइव इक्वल टू जीरो. देयरफॉर समेशन आई इक्वल टू व्हाट? सब करंट का समेशन क्या हो रहा है? जीरो. और दिस इज नोन एज एरिथमेटिक या तो फिर एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल दी
एरिथमेटिक नहीं लेंगे हम, जनरली एल्जेब्रिक लेंगे, एरिथमेटिक में हम प्लस ही कंसिडर कर लेते हैं। एट एल्जेब्रिक में क्या समझना है हमें, जो प्लस है उसको पॉजिटिव लेना है और जो नेगेटिव है उसको माइनस है, मतलब कि नेगेटिव को नेगेटिव लेना है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशंस। हम यहाँ पे कन्वेंशन क्या यूज कर रहे हैं, जो करंट आ रहे हैं उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं उसको नेगेटिव कंसिडर करेंगे। सो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एरिथमेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो। दिस स्टेटमेंट इज नोन एज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। In the above sum, I1, I3 currents are positive, while I2, I4 and I5 are negative. And thus, electric current entering the junction are considered as a positive and electric current leaving the junction are considered as negative. जो positive, जो enter हो रहे हैं उसको positive बोलेंगे, जो junction से निकल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? And one can also consider opposite condition to arrive at the same result. Okay? कोई उल्टा consider करेगा तो उल्टा कंसीडर करेगा तो उसका I2 यहाँ पे इन दिस सिचुएशन I2 प्लस हो जाएगा, I4 प्लस हो जाएगा, I5 प्लस हो जाएगा, बट I1 और I3 क्या हो जाएगा माइनस। बट वो जब उस साइड जाएंगे तो I2 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल्स टू क्या हुआ, I1 प्लस I3, दिस वन सेम टू सेम हुआ ना। तो कोई उल्टा भी कंसीडर करेगा तो रिजल्ट तो क्या मिलने वाला है, सेम। बट जनरली हम कन्वेंशन के लिए जो करंट जंक्शन पे आते हैं उसको प्लस करेंगे, जो करंट जंक्शन से जाते हैं उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है यहां तक? ओके, तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ किसको किसका कॉन्सिक्वेंस था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और इट कैन बी अप्लाइड एट जंक्शन। सिर्फ और सिर्फ कहां पे अप्लाई कर सकते हैं, जंक्शन पे, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट का एल्जेब्रिक समेशन क्या होगा, जीरो। नाउ किरचॉफ सेकंड लॉ, यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कौन से कंजर्वेशन लॉ का कोसीक्वेंस है, सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये दो एमसीक्यू हो गए, बट अगर पक्का रेडी नहीं करोगे तो लास्ट में कंफ्यूजन क्रिएट होगा, एग्जाम में ही होगा किसमें कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी आ रहा था और किसमें कन्वर्जेशन ऑफ चार्ज आ रहा था। तो सिंपल, जहाँ पे फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हो वहाँ पे करंट की बात आ रही थी, वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आएगा और हम यहाँ पे एनर्जी की बात करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आएगा। एज वेल एज कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी क्लोज्ड सर्किट कैन बी एनालाइज्ड। किरचॉफ सेकंड रूल इज द एसेंस ऑफ द अबव मेंशन कॉन्सेप्ट। लेट अस कंसीडर द क्लोज्ड पाथ ए बी सी डी ई ए, कोई एक नेटवर्क था बड़ा, उसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया और जिसमें क्या फॉर्म हो रहा है, क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। देन Here capital R1, capital R2, capital R3, capital R4, capital R5 are the resistors and batteries EMF epsilon 1 and epsilon 2. पहली battery E1 है जिसका EMF कितना होगा, epsilon 1. Second battery E2 है जिसका EMF क्या होगा, epsilon 2. Are the form the closed loop A B C D E A. कौन सा loop form कर रहे, A B C D E A. Clear है यहाँ तक? If the internal resistor of the battery is ignored. अगर हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टर इग्नोर कर दें, राइज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हाइल गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑफ बैटरी। देखो वो बताना चाहता है कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वी इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आईआर, बट आपको बताया है कि अभी आइडियली आपको आर को कितना लेना है, जीरो। तो जो भी वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होगा पोटेंशियल, अगर माइनस टू पॉजिटिव की ओर जा रहे हो तो नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर जाना मतलब पोटेंशियल इंक्रीज होगा और जो भी पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा वो किसके जितने रहेगा, एप्सिलॉन जितना, अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन। वो इक्वेशन हमने लास्ट टाइम किया था, वी इक्वल्स टू एप्सिलॉन माइनस आईआर, बट आर इक्वल टू क्या है यहां पे, जीरो। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रजिस्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द हीट, दैट इज वी इक्वल्स टू आई आर। रेजिस्टेंस के दो भी दो एंड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वी इक्वल्स टू आई आर, विच लो ओम्स लो। क्लियर याद है? नाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ स्टेडी सर्किट डज नॉट चेंज विद टाइम। अगर स्टेडी सर्किट है, स्टेडी दैट मीन्स स्टेडी, काफी चीजें हो सकती है। ऑब्जेक्ट स्टेडी है दैट मीन्स की उसका पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रहा है। करंट स्टेडी है मतलब की करंट टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। Velocity steady है, that means velocity current time के respect में change नहीं हो रहा है। Steady that means does not change with the time. अगर यहाँ पे voltage की बात करें तो electric potential at any point in a steady circuit does not change with time.
अगर स्टेडी सर्किट होगा तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर्टिकुलर गिवन पॉइंट के लिए टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. इफ वी ए इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे वी ए क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एंड इफ वी मेजर्स द चेंजेस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हाइल मूविंग इन अ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन अ क्लोज्ड सर्किट एंड कम बैक टू पॉइंट ए, देन पोटेंशियल वी ए शुड बी रिमेन अनचेंज्ड. वी ए से स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, वापस कहाँ पे आएंगे, ए पे, तो वो वी ए बी ए ही रहना चाहिए. लेकिन कौन सा कंडीशन हमने यूज किया, स्टेडी कंडीशन. क्लियर है, स्टेडी कंडीशन का ही स्टडी करेंगे, वेरिएबल कंडीशन का स्टडी हम करने वाले नहीं है. इट इज क्वाइट डिफिकल्ट. दिस इज कॉल्ड एज सिंगल वैल्यूनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल वैल्यूनेस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इनफैक्ट The single valueness of electric potential is cosequence of law of conservation of energy. वो किसका cosequence है? Law of conservation of energy. Okay? And so हम energy से ही start करेंगे. A से लेके B, B से लेके C, C से लेके D, D से लेके E, E से लेके वापस A पे आएंगे. Then, but वो energy हम consider करेंगे per unit time. इसके लिए per unit time. मतलब कि per unit time energy क्या होता है? Power. और power equal to V into I. नहीं. ऐसे ऐसे सोचो, V इक्वल टू W बाई क्यू. ओके, पर यूनिट चार्ज हम कंसीडर करेंगे, दैट्स माय मिस्टेक. अगर पर यूनिट टाइम करेंगे तो पावर हो जाएगा. पर यूनिट चार्ज कितना एनर्जी यूज हो रहा है वो कंसीडर करेंगे तो W बाई क्यू. क्यू इक्वल टू व्हाट, वन. सो W इक्वल टू डायरेक्टली क्या हो जाएगा, V वोल्टेज. इसलिए एनर्जी बोलेंगे, W दैट मीन्स वर्क, वर्क इक्वल टू एनर्जी. एनर्जी बोलेंगे बट लिखेंगे क्या, वोल्टेज. क्या लिखेंगे, वोल्टेज. सो लेट्स स्टार्ट विद दी ए. हमारा जर्नी ए से स्टार्ट करते हैं. वहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एनर्जी कितना है, पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब बी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू, क्यू इक्वल्स टू वन. यानी कि डब्ल्यू जो है एनर्जी, वो सीधा क्या हो जाएगा, वोल्टेज. सो ए से स्टार्ट करते हैं, बी ए हमारे पास एनर्जी है. हमें घूमना है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में. कौन से डायरेक्शन में घूमना है, क्लॉक वाइज. तो जैसे मैं ए टू बी, क्लॉक वाइज मतलब ए टू बी, बी टू सी, ऐसे ही जाएंगे ना. तो जैसे मैं ए टू बी जा रहा था, पहले रास्ते में क्या मिला, रेजिस्टेंस आर वन. और आर वन के दो एंड के बीच में, पहला और दूसरे एंड के बीच में पोटेंशियल कितना होता है, मल्टीपल ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट. उसमें से कितना करंट पास हो रहा है, आई वन, आई वन इंटू आर वन. सो आपने रखा आई वन इंटू आर वन, बट अब वो एनर्जी क्या बढ़ रहा है या कम हो रहा है वो देखना है. तो ध्यान दो, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, ए टू बी की ओर. मतलब कि करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. दैट मीन्स उसका कहने का मतलब ऐसा है कि एक एंड 10 वोल्ट पे होगा और दूसरा माइनस फाइव पे होगा. तो 10 टू माइनस फाइव, व्हाट हैपन व्हेन फर्स्ट एंड इज 10 वोल्ट एंड सेकंड एंड इज 5 वोल्ट. तो उल्टा हो जाएगा कि करंट फ्लो ही नहीं होगा, करंट 10 टू 5 जाएगा, 5 टू 10 जाएगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा. तो कैसे होगा 10 वोल्ट का, बोलो. करंट ऑलवेज, आपका पहला आंसर ही गलत था. पॉजिटिव टू नेगेटिव आप याद रखते हो, बट आप दो कॉन्सेप्ट भूल जाते हो. जब भी कोई पूछे करंट इन विच डायरेक्शन करंट फ्लो, रिप्लाई दैट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, एक्सेप्ट पॉजिटिव टू नेगेटिव. और हम फिजिक्स में हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव मानते हैं और लोअर पोटेंशियल को नेगेटिव मानते हैं. तो नेगेटिव मैंने आपको कन्फ्यूज कर लिया, दैट कॉल्ड हिप्नोटाइज. ऐसे ही लोग करते हैं जो हिप्नोटाइज करते हैं. मैंने मेरा ही क्वेश्चन रखा, आपने आपका दिमाग वहां पे स्टॉप कर दिया. क्यों, क्योंकि जैसे आपने पॉजिटिव टू नेगेटिव बोला ना, मैंने दो वैल्यू ऐसे दिए, एक में पॉजिटिव और एक में नेगेटिव. दूसरे क्वेश्चन में मैंने एक दोनों पॉजिटिव दिए, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए. नेगेटिव का मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरा टर्मिनल नेगेटिव चाहिए. नेगेटिव टर्मिनल उसको बोलते हैं जिसका वोल्टेज कम है. पहले के इसमें 10 10 और माइनस 5 बताया था, तो माइनस 5 10 से कम ही है इसलिए वो नेगेटिव ही रहेगा और 10 पॉजिटिव रहेगा. दूसरे केस में मैंने 10 एंड 5 बताया, 10 इज पॉजिटिव एंड 5 इज नेगेटिव. मैग्नीट्यूड से नहीं जाना है, जिसका वोल्टेज कम होता है, ओके, पोटेंशियल कम होता है, उसको हम नेगेटिव मानते हैं. क्या मानते हैं, नेगेटिव. यानी कि हमारा करंट ऑलवेज फ्लो होता है हायर पोटेंशियल टू, मतलब कि ए पे पोटेंशियल ज्यादा है और वहां से वो किसकी ओर जा रहा है, लोअर पोटेंशियल. मतलब कि हायर से कहां जा रहा है, लोअर. अब हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू पे जाना हो तो हायर में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. और डेट्स वाई यहाँ पे आएगा माइनस. क्लियर हो गया यादव. अब हम पहुंचे
बैटरी के पास, बैटरी के सबसे पहला कौन सा एंड मिला? नेगेटिव एंड, मतलब लोअर पोटेंशियल, एंड देन तो लोअर टू हायर पोटेंशियल जाना हो, मतलब कि लोअर वैल्यू पे से हायर वैल्यू पे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? प्लस, तो उसका जो पोटेंशियल था वो कितना था, ईएमएफ कितना था? एप्सिलॉन वन, यानी कि प्लस क्या करेंगे? एप्सिलॉन वन। अप टू नाउ हम बी तक पहुंच गए, ध्यान देना किरचॉफ सेकंड लॉ अच्छे अच्छे को रुला के रखता है, और इसी पे से ही न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि इसके बाद नेटवर्क एनालिसिस के कुछ न्यूमेरिकल्स है, एक एक न्यूमेरिकल में आधा घंटा चला जाएगा, तो ध्यान रखना, शांति से पढ़ना। अब इतने साल से पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो भी बोल रहा हूँ एक्सपीरियंस बेस पे ही बोल रहा हूँ, डोंट बी डाउट ऑन मी, चेक मत करो, है ही ओके। चलो बी से लेके सी जा रहे हैं हम, ध्यान दो, बी से सी जा रहे हैं, क्या मिला? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के दो एंड के बीच का वोल्टेज कितना होता है? आई टू आर, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है और करंट कितना है? आई टू, दैट मीन्स आई टू इंटू आर टू, बट पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर करना है। तो ध्यान दो, यहाँ पे करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? सी से लेके बी की ओर, मतलब कि सी का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा है और बी का क्या है? कम, मतलब कि हम तो कहाँ जा रहे हैं? कम से लेके ज्यादा, मतलब कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू बनाना हो तो, इसलिए हम उसमें प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। क्लियर हो गया? हम कौन से पॉइंट पे पहुंचे अभी? सी। अब सी से आगे जा रहे थे डी की ओर, पहले क्या मिला? बैटरी। बैटरी का कौन सा एंड मिला पहले? पॉजिटिव, और फिर मतलब हम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, और हायर में से लोअर वैल्यू करना हो तो हायर वैल्यू में से कट करेंगे तब जाके लोअर वैल्यू मिलेगा, और दैट्स वाई माइनस, वो क्या आएगा? माइनस एप्सिलॉन टू। अब आगे देखा तो रेजिस्टेंस है और करंट कैसे फ्लो हो रहा है? सी से लेके डी, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और हमें भी सी से लेके डी, यानी कि हायर पोटेंशियल टू कहाँ जाना है? लोअर पोटेंशियल, और जब हायर टू लोअर जाते हैं तो हायर में से लोअर में जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस के लिए आर थ्री एंड आई थ्री इज करंट, और देयरफॉर माइनस आई थ्री आर थ्री। अब यहाँ पे ध्यान दो, डी से लेके ई जाना है बट करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ये एरो को देखना है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, करंट इसको बोल रहा हूँ एरो को, वो ई से लेके डी की ओर है, मतलब हायर टू लोअर होगा, तो हमें लोअर टू कहाँ जाना है? हायर, लोअर टू हायर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्लस, और यहाँ पे आर फोर है और करंट कितना है? आई फोर, तो प्लस आई फोर आर फोर। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम आगे बट आगे जाएंगे ई से लेके ए तक, ई से ए पे जाना है तो बराबर, बट करंट कहाँ से कहाँ प्लस हो रहा है? ए से लेके ई, मतलब ए का पोटेंशियल ज्यादा है, ई का पोटेंशियल कम है, हमें कम पोटेंशियल से कहाँ जाना है? हायर पोटेंशियल, तो कम में प्लस करेंगे तब हायर मिलेगा, और कितना कम, कितना ऐड करना पड़ेगा? आर फाइव इंटू आई फाइव, और देयरफॉर प्लस आई फाइव इंटू आर फाइव इक्वल्स टू, आप वापस कहाँ पे पहुंच गए? दैट इज सिंगल वैल्यूनेस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ए से स्टार्ट किया था, ए पे वापस आ गए, दोनों साइड से वी ए, वी ए क्या हो गया? कैंसल। अब राइट नाउ याद रख लो कि जब क्लोज लूप फॉर्म करते हो, ए से स्टार्ट करो पे करोगे, ए पे वापस आओगे, दोनों साइड ए का ही पोटेंशियल होगा, यू कैन कट आउट, इसलिए कंसिडर ही मत करो। जब न्यूमेरिकल आएगा तब हम वी ए को कंसिडर ही नहीं करेंगे, वहां से जनरली स्टार्ट कर देंगे, दोनों साइड प्लस है, इस साइड उस साइड पे तो वी ए माइनस वी ए क्या हो गया? जीरो। समझ में आया? और अब सोचो को सीक्वेंस बताना है, इट इज द को सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। हाउ? ये सब हमने एनर्जी किया, कैलकुलेट किया, वी किया, बट वो पर यूनिट चार्ज एनर्जी था ना, अब एनर्जी का एल्जेब्रिक समेशन किया हमने, कहीं प्लस लिया कहीं नेगेटिव लिया, वो एल्जेब्रिक समेशन कितना हो रहा है? जीरो। यहाँ पे बी ए निकल जाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? जीरो, और दैट एल्जेब्रिक समेशन जीरो, दैट मीन्स एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आया? सिंगल वैल्यूनेस की वजह से वो कांस्टेंट हुआ, क्योंकि सिंगल वैल्यूनेस कंसीडर किया तब जाके बी ए बी ए कैंसिल हुआ ना देन, और इसीलिए सिंगल वैल्यूनेस ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द कोसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाई इन किरचॉफ सेकंड लॉ इट इज अगेन कोसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर हो गया यहां तक? देन और यहां पे यू कैन से दैट माइनस आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू माइनस आई थ्री आर थ्री प्लस आई फोर आर फोर प्लस आई फाइव आर फाइव इक्वल्स टू, ये बैटरी वालों को उधर भेज दो, माइनस था वो प्लस हो गया और प्लस था वो माइनस हो गया, मतलब कि इस साइड सब समेशन है आई आर का और उस साइड समेशन है
एप्सिलॉन का। क्लियर हो गया, डन। और ये कौन सा समेशन है? एल्जेब्रिक समेशन। कुछ आई हमने प्लस लिए, कुछ नेगेटिव लिए, तो चलो एग्जामिन करते हैं कौन से आई नेगेटिव आ रहा है। आई वन एंड आई थ्री, आई वन एंड आई थ्री नेगेटिव आ रहा है, क्यों? क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में जा रहे थे ना, ए टू बी, वही डायरेक्शन में आए हैं। फिर देखो आई थ्री सी टू डी जा रहे थे ना हम, तो आई थ्री भी देखो सी से लेके डी डाउन एरो है, देखा आपने। वेयर एज आपको इस इक्वेशन में आई टू आई फोर एंड आई फाइव क्या मिला है? पॉजिटिव मिला है, डन। तो आप देखो उसको एग्जामिन करो, जब मैं बी से लेके सी जा रहा था तो आई टू सामने मिला ऑपोजिट डायरेक्शन में, फिर मैं जब डी से लेके ई जा रहा था तो आई फोर ऑपोजिट मिला ई टू डी, जब मैं ई से लेके ए जा रहा था तो आई फाइव ए टू लेके कहाँ जा रहा है? ई, मतलब कि जो ऑपोजिट डायरेक्शन में थे वो सारे क्या आए? पॉजिटिव आए, समझ में आया। एंड नेक्स्ट वन बैटरीज के लिए, जब मैं ए से लेके बी जा रहा था बैटरी का सबसे पहले कौन सा एंड मिला? नेगेटिव, तो वो बैटरी राइट हैंड साइड पे नेगेटिव है, माइंड वेल, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे तो पॉजिटिव है। इसीलिए हमें यही इक्वेशन याद रखना है जिसमें आई आर का मल्टीप्लीकेशन हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे और एप्सिलॉन का राइट हैंड साइड रखेंगे। तो जब बैटरी का पहले नेगेटिव एंड मिलता है तो नेगेटिव, और इसमें देखो जब हम सी टू डी जा रहे थे, सी टू डी जा रहे तो बैटरी का सबसे पहले कौन सा एंड मिला? पॉजिटिव, और इसीलिए एप्सिलॉन टू पॉजिटिव। क्लियर है? अब ये सारे रूल्स जो है वो आपको यहाँ पे लिख के लिए, बट सबसे पहले मैंने तो ओरली समझा दिया, अंदर की बात करता हूँ। अंदर वही लिखा हुआ है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप्स आई वन आर वन व्हेन वी मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन ए थ्रू द रेजिस्टर्स आर वन। ड्रॉप होना इसलिए तो हमने उसको क्या लिखा है? माइनस। ओके, अब उसका एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दिया है। हियर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज आर्बिट्री टेकन ए टू बी, डायरेक्शन क्या है करंट का? आप देखो ए टू बी में, ए टू बी की ओर है आई वन का डायरेक्शन, एंड सो द करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस आर वन फॉर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल ए टू लोअर पोटेंशियल, एंड हेंस देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू आई वन आर वन। हायर टू लोअर जा रहे हो तो इतना ड्रॉप करना पड़ेगा, देन एंड वी मूव ए टू बी। ओके, आपको इक्वेशन फॉर्म करना आ गया ना, आप इस पे से लिख सकते हो। जब हमने ए से स्टार्ट किया तो ए एनर्जी माइनस है, मतलब कि ड्रॉप हो रहा है, इतना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, और ड्रॉप क्यों हो रहा है? बिकॉज हम हायर टू लोअर जा रहे थे, वो आपने समझा दिया तीन लाइंस में। आगे बढ़ते हैं, देयर इज अ राइज इन अ पोटेंशियल एप्सिलॉन वन व्हाइल ग्रोइंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव। देखो हमने प्लस एप्सिलॉन वन लिखा था यहाँ पे, इसको समझा रहे हो कि जब आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे थे तो हमने एप्सिलॉन वन जितना है पोटेंशियल क्या हुआ? राइज हुआ। द पोटेंशियल राइज बाय आई वन R2, sorry, I2 R2 when we go from B to C, देखो आप B to C, उसके बाद I2 R2 का आ रहा है, प्लस लिखा है, प्लस लिखा है मतलब राइज, माइनस लिखा है मतलब ड्रॉप, तो वो सेंटेंस आ गया I2 R2 जा रहे हैं जब B to C, तो वो क्या हुआ? राइजेस, as the direction current is assumed to be C to B, क्यों राइज हुआ? Because हम B to C जा रहे थे और direction of current क्या था? C to B, and so the electric potential of C is higher than the B, and therefore potential rise by the amount of I टू आर टू। वहां तक आप क्या करोगे? एक्सप्लेनेशन दोगे और फिर बोल दोगे कि इन सिमिलर वे देयर इज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल ऑफ इज इक्वल टू एप्सिलॉन टू, यानी कि एप्सिलॉन टू की बात आई, फिर आई थ्री आई फोर एंड आई फाइव की बात है। तो देखो वी गो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी ऑफ एप्सिलॉन टू, एप्सिलॉन टू का भी एक्सप्लेनेशन दिया है, बट उसके बाद देयर इज अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ आई थ्री आर थ्री, इसलिए हमने आई थ्री आर थ्री को क्या लिया है? नेगेटिव, देन देयर इज अ राइज ऑफ पोटेंशियल I4 R4 in a through the R4 and I5 R5 through the R5. ये दोनों का explanation फिर वापस नहीं दिया, okay? तीन चार तक explanation दिया है, higher to potential जा रहे हैं, higher to lower potential जा रहे हैं, फिर lower to higher जा रहे हैं, उसके accordance में, जो मैंने समझाया, clear है? तो theory बिल्कुल simple है, आप सिर्फ circuit याद रखना, आप क्या याद रखना? circuit याद रख दो, उसको explain कर दो, फिर ऊपर से equation बन गए, equation से यहाँ तक आ जाएंगे। आगे sigma IR equal to सिग्मा एप्सिलॉन, एंड देयरफॉर ए लो क्या बना? फॉर एनी क्लोज्ड लूप एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट एंड रिस्पेक्टिव करंट फ्लोइंग थ्रू देम इज इक्वल टू व्हाट? एल्जेब्रिक समेशन ऑफ एप्सिलॉन ईएमएफ अप्लाइड अलोंग द लो। माइंड वेल, दिस वन इज आइडियल कंडीशन, आपने जो बैटरी यूज किए है उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हमने जीरो लिया है। ओके, इफ देयर इज इंटरनल रेजिस्टेंस आपको उसको कंसीडर करना होता, जैसे कि आई वन आर वन के साथ बैटरी थी ना पहले ही में,
यहाँ पे पहले ही लाइन में बैटरी थी ना, तो यहाँ पे दूसरा आई वन आर वन के साथ दूसरा भी आ जाता माइनस आई वन आर वन, माइनस आता ना, क्योंकि आई वन आर वन तो वही इस डायरेक्शन, वो भी माइनस था, सिर्फ हमें तो दूसरा रेजिस्टेंस ऐड करना था ना आर वन। और जब बैटरी हमने एप्सिलॉन टू यूज की थी वो किसके साथ थी, आई थ्री आर थ्री के साथ, तो आई थ्री आर थ्री के साथ आता नहीं, आई थ्री आर थ्री भी क्या है माइनस ही है, आई थ्री आर थ्री भी माइनस ही है, इसलिए आई थ्री आर थ्री स्मॉल में आता। ओके, यहाँ पे तो बैटरी था, बैटरी था, बैटरी के लिए कौन सा बैटरी था, टू बैटरी, तो आई थ्री आर टू आता, ये पहला बैटरी था तो आर वन। अब देखो उसका एप्सिलॉन प्लस या नेगेटिव हो सकता है, उससे मतलब नहीं है, हमें जो आई आर जब लेते हैं तो आई आर में करंट के डायरेक्शन के साथ मतलब, उसके नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी के एंड के साथ से मतलब नहीं है, समझ में आया। देन बट अभी हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो ये दोनों निकल गए, बट आ सकता है। नाउ उस पे से हमने कंक्लूजन क्या किया, कंक्लूजन यानी कि साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज करेंगे, अवर जनरली थ्रू द रजिस्टर इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की, करंट का जो फ्लो ऑफ डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में अगर जल्दी कर रहे मतलब घूम रहे देन एरिथमेटिक चूजन देन आईआर शुड बी कंसीडर्ड नेगेटिव, उसको हम नेगेटिव लेंगे, हमारी डायरेक्शन में होगा करंट तो नेगेटिव, एंड ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ जर्निंग देन आईआर शुड बी पॉजिटिव, ईएमएफ ऑफ द बैटरी शुड बी कंसीडर्ड नेगेटिव व्हाइल मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि पहले नेगेटिव मिलेगा दैट शुड बी नेगेटिव, एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट, सॉरी ओके, द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज टेकन एज पॉजिटिव व्हेन मूविंग फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि सबसे पहले पॉजिटिव मिलेगा तो अब ईएमएफ कितना ले लोगे पॉजिटिव। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एरिथमेटिक चोजन बाय किरचॉफ्स रूल एनालाइज द नेटवर्क, आपको पहले पता नहीं होगा कि करंट कहाँ पे फ्लो हो रहा है तो आपको खुद को पहले करंट डिफाइन करना पड़ेगा, करंट का डायरेक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद एनालाइज स्टार्ट होगा, अभी तो हमें दिया गया था थ्योरी में, बट आपको करंट का डायरेक्शन न्यूमेरिकल, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें मैं बताऊंगा, करंट का डायरेक्शन आपको खुद पता लगाना पड़ेगा, क्लियर है। एंड देन वी शैल गेट नेगेटिव वैल्यू ऑफ करंट, अगर हमें आंसर फाइंड करने के बाद कैलकुलेशन के बाद नेगेटिव वैल्यू मिलता है तब आपने जो करंट का डायरेक्शन जो चूज किया है वो ऑपोजिट चूज हो गया है, ऐसा समझना है, गलत चूज हो गया, आपने जो एरो किए थे ना उसको फिर रिवर्स कर देना है। देन बट हम ऐसा ही डायरेक्शन चूज करेंगे जिसकी वजह से नेगेटिव आंसर का कोई चांस ना हो, यानी कि करेक्ट डायरेक्शन चूज करेंगे। ओके, उसके लिए कुछ रूल्स हैं तो हम जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे ना तब आपको याद रखना है।